हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं रजनी आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग महंगे महंगे नग वाले कड़े या नग वाली चोली लाते हैं और उसके नग कई बार ऐसा होता है कि एक दो बार पहनने में ही निकलने लगते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आपके नग निकलेंगे नहीं और मजबूत भी हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ले लेनी है एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और इसको हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से लगाने से आपके जो ये नग है वो मजबूत हो जाएंगे और निकलेंगे भी नहीं, और ट्रांसपेरेंट कलर होने के से आपकी ज्वेलरी ख़राब भी नहीं होगी। तो बहुत ही कमाल की टिप है दोस्तों, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। इस तरह के कलर हमारे बच्चे हमेशा ही यूज़ करते हैं और जब इसमें कलर ख़त्म हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं इसका ऐसा यूज़ बताऊंगी जिसको देखकर आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर मैंने इसको धुल के ले लिया है, और अब हम इसे डबल टेप लगा देंगे। डबल टेप लगाने से ये हमारी वॉल पर अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसको हम अब इस वॉल पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको वॉल पे लगा दिया है। तो ये हमारा अब ज़ीरो कॉस्ट पे एक ब्रश होल्डर बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। अक्सर जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम फ़ोन के साथ चार्जर भी अपने बैग में लेकर जाते हैं। तो बैग में कई सारा सामान होता है जिससे हमें चार्जर जल्दी नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेना है इस तरह का कोई भी डिब्बा। इस तरह के डिब्बे हमें दवाई के साथ मिलते ही हैं और इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन अब से मत फेंकिएगा, इसमें हम अपने चार्जर रख के बैग में रख सकते हैं और इसमें रखने से हमें चार्जर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। बेड पे जब भी हम चादर बिछाते हैं या तो इसको हम मैट्रेस के अंदर कर देते हैं या बाहर की ओर कर देते हैं, लेकिन जब हम बाहर की ओर चादर रखते हैं तो यह इतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं कैसे अपनी बेडशीट को स्टाइल करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें ले लेना है अपना कोई भी पुराना कड़ा। इसको चादर की अंदर की ओर से लगा देना है और बाहर रबर बैंड लगा देना है। रबर बैंड लगाने से यह बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी और एक फ्लावर का शेप भी ले लेगी। तो इस तरह से ये देखिए फ्लावर का शेप बन गया है। आप इस तरह से कड़े चारों तरफ भी लगा सकते हैं। तो ये प्लेन बेडशीट से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। मैं इसी तरह से अपनी बेडशीट को स्टाइल करती हूँ, तो एक बार फेस्टिवल में आप भी ज़रूर करके देखेगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। आज की कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए बाय बाय।